अटेंशन प्लीज स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑब्लीप्रेप्स। आपका ऑब्लीप्रेप्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, क्रिया की अवस्थाएं, जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था ये होती है जिसमें क्रिया की सामान्य अवस्था का बोध होता है। जी हाँ, क्रिया की सामान्य अवस्था का बोध होता है। जैसे उदाहरण मोहन अपने मित्र से मिलने गया। बाकी मोहन अपने मित्र से मिलने गया। दूसरा उदाहरण है, वह अपनी किताब पढ़ रहा है। वे कल आगरा जाएंगे। देखिए, सामान्य अवस्था में वो सब क्रिया आती है, वो चाहे प्रेजेंट हो या भूतकाल हो या भविष्य हो, तीनों ही काल में जब बात को स्वीकार किया जाता है साधारण रूप से, या सकारात्मक या नकारात्मक, यानी निषेध भी होते हैं वाक्य, जैसे वह अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसे जब साधारण वाक्य, जब सामान्य जानकारी दी जाती है किसी के बारे में, तो वो क्रिया की सामान्य अवस्था कहलाती है, चाहे वो वर्तमान काल हो या भूतकाल हो या भविष्य काल हो। जब साधारण रूप से क्रिया, कोई बात को स्वीकार किया जा रहा है या नकारा जा रहा है, तो चाहे काल कोई भी हो, इस क्रिया को यहां पढ़ रहा है या मिलने गया या ये जाएंगे, तो ये क्रिया की सामान्य अवस्था है, यानी साधारण अवस्था हम कह सकते हैं। जब किसी भी वाक्य में कार्य को स्वीकार किया जा रहा है या नकारा जा रहा है साधारण रूप से, यानी जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, स्वीकारात्मक, तो ये जब वाक्य को हम स्वीकार करते हैं किसी भी कार्य को या नकारते हैं, तो जब साधारण रूप से हम कोई भी काम करते हैं, तो ऐसे क्रिया की अवस्था को हम सामान्य अवस्था कहते हैं। साधारण अवस्था के अंतर्गत ये कोई भी हो। इसके बाद आता है दूसरा आता है विधि अवस्था। ये हम बताएं आपको क्रिया की कौन सी अवस्था होती है। ये क्रिया की वो अवस्था होती है जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, व प्रश्न का भाव प्रकट होता है। ये विधि अवस्था वो होती है जब आज्ञा, प्रार्थना या प्रश्न का भाव प्रकट होता है। इसके दो भेद होते हैं, विधि अवस्था के दो भेद होते हैं। नंबर एक होती है प्रत्यक्ष अवस्था और नंबर दो परोक्ष अवस्था। ठीक है, ये इसके दो भेद होते हैं, विधि अवस्था के दो भेद होते हैं। एक तो होते हैं प्रत्यक्ष अवस्था और दूसरी होती है परोक्ष अवस्था।
अब यहां प्रत्यक्ष अवस्था में किस प्रकार आज्ञा, यहां वर्तमान काल पाया जाता है, वर्तमान काल, ठीक है, और यहां भविष्य काल, भविष्य काल। हम कह सकते हैं कि जब आज्ञा, प्रार्थना या प्रश्न का भाव वर्तमान काल में प्रकट होता है, यदि बाकी जो होता है आपका वर्तमान काल का है और उसमें आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है, प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है या प्रश्न का भाव प्रकट हो रहा है, इनमें से अगर किसी का भी भाव प्रकट हो रहा है और वर्तमान काल में हो रहा है, कब हो रहा है, वर्तमान काल में, यदि वर्तमान काल में इन सब का भाव प्रकट हो रहा है तो उसे हम क्रिया की प्रत्यक्ष अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे क्या मैं बैठ सकता हूं, क्या मैं बैठ सकता हूं, यहां इस वाक्य से क्या भाव प्रकट होता है, आप समझ रहे होंगे कि यहां अनुमति यानी आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है, अनुमति ली जा रही है, आज्ञा ली जा रही है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो और ये काल कौन सा है, वर्तमान काल है। अब जब वर्तमान काल है, अगर प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, पूछा जाता है कि वाक्य में क्रिया की अवस्था है, क्रिया की अवस्था है, चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा प्रत्यक्ष अवस्था, परोक्ष अवस्था या क्रिया की सामान्य अवस्था या इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष अवस्था। क्यों, क्योंकि आज्ञा, प्रार्थना और प्रश्न का यदि भाव वर्तमान काल में प्रकट होता है, समझ में आ रहा है, यदि प्रार्थना, आज्ञा या प्रश्न का भाव वर्तमान काल में प्रकट हो रहा है तो आप उस वाक्य में क्रिया की अवस्था जो होती है वो प्रत्यक्ष अवस्था पाई जाती है। अब यहां तुम कहां रहते हो, ऐसे अगर आ जाता है दूसरा वाक्य, तुम कहां रहते हो, ठीक है, ये इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का भाव प्रकट हो रहा है, टेंस काल कौन सा है, वर्तमान काल है, जब वर्तमान वर्तमान काल में जब प्रश्न का भाव प्रकट होता है तब भी आपकी क्रिया की, अगर पूछ लिया जाता है कि वाक्य में क्रिया की अवस्था है, प्रत्यक्ष अवस्था, परोक्ष अवस्था, सामान्य अवस्था या संभाव्य अवस्था, तो आप किस पर मार करेंगे, प्रत्यक्ष अवस्था। क्यों, फिर एक बार, जब वर्तमान काल में आज्ञा, प्रार्थना या प्रश्न का भाव प्रकट होता है तो उसे हम क्रिया की प्रत्यक्ष अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा, अब आता है आपका परोक्ष अवस्था, क्या होती है, क्रिया की परोक्ष अवस्था, तो यह हमने बताया भविष्य काल है ना, क्या, भविष्य काल। यदि भविष्य काल में यही आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न का भाव प्रकट होता है तो वो क्रिया की परोक्ष अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए, अभी जैसे हम लिख दें उदाहरण, उदाहरण उदाहरण आपका लिख दिया, क्या आप मुझे आने देंगे, आने देंगे, ठीक है,
कस्टमर, क्या आप मुझे आने देंगे? अब ये कब? भविष्य काल में। कोई अनुमति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्या आप मुझे आने देंगे? तो भविष्य में। अगर अब यह प्रश्न का भाव प्रकट हो रहा है तो अगर यह आपसे पूछा जाता है कि इस वाक्य में क्रिया की अवस्था है, संभाव्य अवस्था है, विधि अवस्था है या परोक्ष अवस्था है, तो आपका आंसर होगा परोक्ष अवस्था। कब? यदि परोक्ष अवस्था क्या होती है? भविष्य काल में यदि आज्ञा, प्रार्थना और प्रश्न का भाव प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया की परोक्ष अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर तीन, होते हैं संभाव्य अवस्था। नंबर तीन संभाव्य अवस्था, ठीक है, संभाव्य अवस्था। नंबर तीन क्रिया की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? संभाव्य अवस्था। इसमें संभावना या संदेह, का भाव प्रकट होता है, यहां संभाव्य अवस्था जो है क्रिया की, उसमें संभावना या संदेह का भाव प्रकट होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम लिखें कि शायद वह आगरा, शायद वह आगरा आएगा। इसमें क्या है? संभावना है शायद वह आगरा आएगा। ठीक है, ये या वह आ सक उहे शायद उहे आ सके। यहां आपका संभावना है शायद वह आ सके, है ना? तो जब क्रिया की, अगर इस वाक्य में आपसे पूछा जाता है कि वाक्य में क्रिया की अवस्था है, संभाव्य अवस्था है, प्रत्यक्ष अवस्था है, परोक्ष अवस्था है, विधि अवस्था है, तो इसमें आपका जो आएगा वो क्रिया कौन सी अवस्था है? क्रिया की संभाव्य अवस्था है, है ना? तो जब क्रिया में संभावना या संदेह प्रकट होता है, तो वो वहां क्रिया की संभाव्य अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वाच्य के बारे में, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।